इसी बरस का, न जाने कब किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए, कब कौन पहले चला जाए, कब कौन बाद में चला जाए, कोई भी इंसान साथ साथ नहीं जाता है। बस जब आपको मौका मिले तो आप अपने दोस्तों से मिल जरूर दीजिए। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद आपकी आंखें नम कर दें। चार दोस्त एक शहर में पढ़ते हैं, बचपन से एक साथ पढ़ते चले आ रहे थे और जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो उस दिन वो एक लग्जरी होटल में मिलते हैं और साथ ही एक वो वादा भी देते हैं चारों लोग कि हम आने वाले 50 साल के बाद फिर से इसी दिन इसी वक्त इसी होटल में मिलेंगे। और उसके बाद वो चारों अपने अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। दिनेश, संतोष, मनीष, प्रवीण, ये नाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैं इन नामों का यहाँ प्रयोग कर रही हूँ। जिन चार दोस्तों ने ये आपस में वादा लिया था कि वो इसी दिन 50 साल के बाद मिलेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन तक वो काफ़ी मेहनत करेंगे और उस समय तक यानी कि आने वाले 50 साल तक वो कुछ ना कुछ बन चुके होंगे और उनका एक परिवार होगा। उस समय जो पहले आएगा उस होटल का बिल होगा। और ये जो बातचीत होती है चार दोस्तों की वो वेटर उस होटल का वेटर कालू जो है सुन रहा था और मन ही मन कहता है कि अगर मैं भी जिंदा रहा तो मैं भी आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। दिनेश के पिता वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, संतोष आगे पढ़ाई के लिए निकल जाता है और मनीष और प्रवीण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल जाता है। आखिर मनीष भी शहर छोड़ के चला गया। दिन बीतते हैं, महीने बीतते चले गए, साल बीतते चले गए और 50 वर्षों में उस शहर में काफ़ी कुछ चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। शहर की आबादी बढ़ गई, सड़कें, फ्लाईओवर और कहिए कि महानगर ने नई सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। और जिस होटल में बैठ कर के उन लोगों ने उस दिन चाय नाश्ता किया था, एक वादा किया था, वो होटल भी 5-स्टार होटल बन गया था। और वो जो कालू वेटर था वो आज कालू सेठ बन गया था, इस होटल का मालिक बन गया था। 50 साल के बाद जो डेट तय थी 1 अप्रैल दोपहर में, उस दिन सबको मिलना था और तय समय पे, तय तारीख पे एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आती है। दिनेश कार से उतरता है और पोर्ट्स की ओर चलने लगा। दिनेश के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम है। दिनेश होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीना पहले ही टेबल बुक करवा दिया है। दिनेश मन में बड़ा खुश हुआ कि वो चारों में पहला था इसलिए उसे आज का बिल देना नहीं पड़ेगा और इसके लिए वो अपने दोस्तों का मजाक भी उड़ाएगा। 1 घंटे के बाद संतोष भी आ गया। संतोष का शहर में बड़ा नाम था, बहुत बड़ा बिल्डर था वो। इसके बाद तीसरा मित्र भी आ गया, मनीष, आधे घंटे में। मनीष इस समय एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। तीनों मित्रों की आंखें दरवाजे पे लगी हुई थी कब प्रवीण आए। इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक मैसेज आया है कि तुम लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल के बाद एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे और तीनों ने अपना मनपसंद मेन्यू चुन के खाना शुरू कर दिया क्योंकि कालू सेठ ने कहा था कि आप अपना खाना जो है ऑर्डर कर दीजिए, प्रवीण सर का फ़ोन आया है। शाम को जब खाना वाना खा चुके और प्रवीण तब भी दिखाई नहीं दिया तो बिल देने की बारी आई।
साधु सेठ ने कहा कि आपका बिल ऑनलाइन पे हो गया है। और शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरता है, काफ़ी भारी मन से निकल रहे तीनों मित्रों के पास जाके पहुंचता है। भारी मन इसलिए था क्योंकि वो प्रवीण का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो आया नहीं था। तीनों उस आदमी की तरफ देखते रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा रवि हूँ और मेरे पिता का नाम प्रवीण भाई है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया। उन्हें इस दिन का इंतज़ार था लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे यहाँ देर से पहुँचने के लिए आदेश दिया था। पिताजी ने कहा था कि अगर मैं जल्दी निकल गया तो मेरे साथियों को जब ये पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो वो बहुत दुखी होंगे और मेरे दोस्त तब हंसेंगे नहीं, वे एक दूसरे को मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम देर से जाना। उन्होंने मुझे उनकी ओर से गले लगाने के लिए भी कहा था, यानी कि ये रवि कह रहा है कि मेरे पिता प्रवीण ने आप सबको गले लगाने के लिए भी कहा था। और रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उनको देख रहे थे और उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बनाया, आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक बड़ी पार्टी होगी। तो दोस्तों, मिलने के लिए आप बरसों का इंतज़ार ना करें, ना किसी को करवाएं। न जाने किस घड़ी में कौन हाथ छुड़ा करके इस दुनिया से चला जाएगा। परिवार के साथ आप खुश रहें और जिंदा होने की खुशी को महसूस करें। दोस्तों से मिलते रहें, उनका हाल चाल भी पूछते रहें, उनसे मिलते भी रहें। उनसे मिलके जो खुशी है वो आप जाया ना करें, मिलते रहें।